नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। तो इस वक्त आप नजारा देख रहे हैं शिवाजी चौक का। ट्रैफिक अपडेट के साथ साथ आपको हम वेदर अपडेट भी देंगे। हालांकि मौसम तो क्लाउडी है, पर ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान भी कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सड़कें बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। मूवमेंट देखिए कितनी है, गाड़ियों की हर तरफ आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। जो एक वक्त था कि लॉकडाउन के दौरान हमें जो है ट्रैफिक नहीं देखने को मिलता, पर आज फिर से जो है वो भीड़ जो है आपको गाड़ियों की दिखाई देगी। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों ने आसपास सड़कों पे इस वक्त गाड़ियां जो है पार्क की हुई हैं, और किस तरह शॉप्स भी आपको दिखेंगी सारी ओपन है, जिन्हें 5 बजे तक जो है खुले रहने की जो है इजाजत दी जाती है। पर आप यहाँ पर सिनेरियो देखिए, क्योंकि आज हम दोनों दिखाएंगे, ये मार्केट पे आप देखिए, गांधीनगर की भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, बीच सड़कों में लोगों ने गाड़ियां पार्क की है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग रहा है। और प्रशासन की तरफ से जो आदेश दिए गए थे कि कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, पर लोगों को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए इस तरह से रॉन्ग पार्किंग करने की, पर उसके बावजूद ये नजारा बेहद ही डिसअपॉइंटिंग है, जो लगातार हर जगह पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप देखें ये तस्वीरें कि बीच सड़क पे लोगों ने गाड़ियां लगाई हैं और कोई भी एक्शन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशन इस वक्त हमें ग्राउंड जीरो में देखने को मिल रही है, और इससे हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि हमें कितना ज्यादा और जो है सतर्क रहना पड़ेगा, और ज्यादा कितने प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह सब लोग जो है बाहर निकले हुए हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सेफ्टी का जो है ध्यान रखें जब आप बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर कोई बाहर निकला हुआ है, कोई अपने काम काज पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी भी जो है कोरोना जो है अभी भी है, तो इसलिए हमें और ज्यादा सतर्क रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आपको गांधीनगर का नजारा भी दिखाएंगे, अभी हमने शिवाजी चौक का भी दिखाया। तो गांधीनगर में फिर कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रिक्टली गाड़ियां जो है नहीं लगाने की इजाजत दी जा रही है, बट स्टिल जहां पर ट्रैफिक जाम लग रहा है वो इसी वजह से लग रहा है, जो बीच सड़कों पे लोगों ने रॉन्ग पार्किंग की हुई है। बिल्कुल, आपने खुद ही देखा कि किस तरह लोगों ने, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, दोनों तरफ हमें गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बाहर निकल रहे हैं हम मास्क पहन के जाएं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लोग जो है इस वक्त बाहर निकले हुए हैं, तो आप जानते नहीं हैं कि किसके कॉन्टैक्ट में आप आ जाएं और वो व्यक्ति कहाँ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो है अपनी बाहर जाते वक्त अपनी सेफ्टी का जो है खासतौर पर ध्यान दें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, मौसम का हाल भी बता देते हैं, क्योंकि मौसम बेहद सुहाना जम्मू में हो चुका है। क्योंकि लोग इंतजार भी कर रहे थे कब बारिश हो, और बारिश का मौसम भी बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, और उम्मीद है कि जल्द बारिश भी होगी। पर पिछले कुछ दिनों से जितनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को राहत की सांस मिल रही है। जी बिल्कुल, अब हम आपको ये थोड़ी देर में गांधीनगर का वो एरिया जो है मार्केट के तरफ से जो है दिखाएंगे कि किस तरह के ग्राउंड जीरो पर हमें जम्मू सिटी से जो है देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना नॉर्मल लग रहा है सब कुछ। गाड़ियां देखिए आप किस तरह बाहर इस वक्त गाड़ियां मूवमेंट जो है आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये लॉकडाउन में जिस तरह से बहुत सारे जो हम बात करें रिलैक्सेशंस जो दी गई हैं, अब हमें खुद ही जो है कहीं ना कहीं हमें एहतियात जो है खुद ही बरतना और मूवमेंट ही नहीं, फ्रीक्वेंट मूवमेंट लोगों की देखने को मिल रही है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसके बावजूद लोगों को समझने की जरूरत है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर आप ना निकले। तो अगर आप जम्मू में कहीं रहते हैं और किसी मार्केट के लिए निकल रहे हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन सी मार्केट में स्ट्रिक्टनेस है, आपको कहाँ पर गाड़ी पार्क करने देंगे, कहां पर नहीं पार्क करने देंगे, पार्किंग एरिया कौन सा बनाया गया है। अगर आपको सड़कों पर पार्क नहीं करने देंगे तो आपको कहां पर पार्क करने देंगे, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे अभी। जी बिल्कुल, और इस वक्त हम बिल्कुल गांधीनगर गोल मार्केट के पास पहुंच चुके हैं, और जो कि एक वक्त था कि जब हम बात करें इस गोल मार्केट की, और जो मार्केट की तरफ रोड जाती है, हमेशा हमें वहां पर रश जो है सबसे ज्यादा देखने को मिला करता था। आप देख सकते हैं यहां पर भी किस तरह अब ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे इस गांधीनगर का वो पॉश एरिया, जो मार्केट जहाँ पर हर इंसान शॉपिंग के लिए जाता था, पर अब यहाँ पर किस तरह के प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए गए आपको बता दें। जिस तरह हर वक्त हमें आसपास गाड़ियाँ देखने को मिलती थी, तो इस वक्त हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अब सड़कों पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं पैदल चल रहे हैं लोग।
क्योंकि अब जिस तरह दुकानों को भी खोल दिया गया तो आप देख सकते हैं कि दुकानों के अंदर भी हमें भीड़ देखने को मिला कि हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना भी हुआ है, प्रिकॉशंस भी लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये गांधीनगर का वो एरिया। पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग यही लग रहा है कि यहाँ पर भी गाड़ियाँ जो हैं सड़कों के बीच में पार्क की हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ पर पार्किंग प्रोहिबिटेड का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क हैं, हालांकि यहाँ पर जसलीन पार्किंग स्पेस भी लोगों के लिए बनाई गई है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली पिक एंड ड्रॉप नो पार्किंग, और उसके बावजूद जिस तरह हमें यहाँ गाड़ियाँ जो हैं इस तरह देखने को मिल रही हैं। तो जेके न्यूज पॉइंट आपको वेदर अपडेट के साथ साथ ट्रैफिक अपडेट भी दे रहा है अलग अलग जगहों से। आप देख सकते हैं ये गांधीनगर की वो मार्केट, और जिस तरह अब इन शॉप्स की बात करें इन्हें ओपन होने की इजाज़त है शाम के 5 बजे तक, और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हालांकि उतने लोग नहीं नजर आएंगे पर फिर भी जिन लोगों को इम्पोर्टेंट शॉपिंग करनी है वो आप देख सकते हैं कि दुकानों में इक्का दुक्का लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए शॉप्स तो सभी मोस्टली खुल चुकी हैं, हालांकि लगता है 8 जून के बाद इससे जो नज़ारा अभी है उससे भी ज़्यादा आगे देखने को मिले, पर अभी भी देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल सी हर जगह पर नज़र आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यहां पर पार्किंग जो है फ्री यहां पर ग्राउंड में जो है बनाई गई है ताकि लोग जो है इन शॉप्स के बाहर या रोड पर जो है पार्क ना करें, पर हालांकि उसके बावजूद भी हमें देखने को मिला कि लोगों ने रास्ते में जो है इस तरह रोड पर भी पार्किंग जो है की हुई है। बिल्कुल, घरों से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जाते जाते ये बता दें अगर आप गांधीनगर एरिया में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए पार्किंग बनाई गई है, तो कृपया करके सड़कों पे गाड़ी को पार्क ना कीजिए और ट्रैफिक क्रिएट नहीं कीजिए, क्योंकि कोरोना से अगर हमें लड़ना है तो हमें डिस्टेंस जो है उसे हमेशा मेंटेन रखना है। और बता देते हैं जो पब्लिक के लिए पार्किंग यहाँ पर जो अलॉट की गई है वो भी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी नज़र आ रही है। अभी भी पार्किंग स्पेस होने के बाद भी लोगों ने जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर लगाई हुई हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त सड़कों पर जो है गाड़ियां लगाने से मना किया गया है, और आप देख सकते हैं इस ग्राउंड में जो है पार्किंग लगाने का जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जगह जो है दी गई है ताकि लोग जो है यहाँ पर जो है गाड़ियां अपनी पार्कर से बल्कि रोड पर ना करें। तो इसी अपडेट के साथ एक हमने वेदर अपडेट, और उसी के साथ हम आपको बता रहे थे इस वक्त ग्राउंड जीरो से कि किस तरह की सिचुएशन जो है जम्मू के गांधीनगर इलाके से मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।